अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। साथियों, हमने आपसे कमिटमेंट किया है कि सीमांचल के तमाम तर विधानसभा क्षेत्र की तमाम तर बारीक जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। आज हम दरअसल आपको बताने जा रहे हैं कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र की तारीख के बारे में कि ये वजूद में कब आया है, कौन जीता है, कौन हारा है, इसका इतिहास क्या रहा है, हम आपको मुख्तसर में बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र संख्या 55, यहाँ पहली बार जो चुनाव हुआ है विधानसभा का वो 2010 में हुआ है, क्योंकि पहले कोचाधामन किशनगंज के अंतर्गत आया करता था। और पहली बार अख्तरुल ईमान साहब उस वक्त आरजेडी के नेता हुआ करते थे, और पहली बार यानी 2010 में अख्तरुल ईमान साहब आरजेडी से चुनाव लड़े और 37,376 वोट यानी 36.27% वोट उन्हें आया था और वो विनर रहे थे, जीते थे। और ठीक उसी तरह से मुजाहिद आलम साहब, मास्टर मुजाहिद आलम साहब जो इस वक्त विधायक रहे, वो तब भी जेडीयू से चुनाव लड़े थे। उस वक्त उनका जो वोट था वो 28,351 यानी 27.52% वोट उन्हें आया था। और तीसरे पायदान पर रहे थे सादिक समदानी साहब जो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, और उनके जो वोट्स थे वो 9,861 यानी 9.57% वोट्स उनको मिले थे। कुल जो वोटर्स थे उस वक्त जिन्होंने वोटिंग की थी, 1,35,064 लोगों ने वोटिंग्स की थी। और इस तरह से अख्तरुल ईमान साहब पहले पायदान पर थे, अख्तरुल ईमान साहब आरजेडी से चुनाव लड़े थे। लेकिन अगर 2015 की बात की जाए तो 2015 में 1,42,984 लोगों ने वोटिंग्स किए थे और तब मास्टर मुजाहिद आलम साहब जो जदयू से थे उन्हें जीत हासिल हुई थी और उन्हें टोटल वोट्स मिले थे 55,929 यानी 39.42%। और ठीक उसी तरह से अख्तरुल ईमान साहब तब इलेक्शन हार गए थे और उस वक्त ऑल इंडिया मजलिस तहदर मुस्लिमीन के उम्मीदवार के तौर पर वो चुनाव लड़े थे, उन्हें टोटल वोट्स मिले थे 37,086 यानी 26.14% वोट उन्हें आया था। और ठीक उसी तरह से अब्दुल रहमान जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, अब्दुल रहमान साहब, उन्हें 34,895 यानी 24.60% लगभग जो है वोट्स मिले थे। और इस तरह से माननीय विधायक मास्टर मुजाहिद आलम साहब को जीत हासिल हुई थी। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने वाली है, समझने वाली बात यह है कि 2010 का जो हमने आंकड़ा बताया था तब जेडीयू गठबंधन में, जेडीयू का कांग्रेस का राजद का गठबंधन नहीं था, लेकिन 2015 में महागठबंधन बना था और महागठबंधन का हिस्सा जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी था उस वक्त, ये तीनों लोग एक जगह थे। और यही वजह थी कि माननीय विधायक को 55,929 यानी 39.42% वोट आए थे। लेकिन उस वक्त जो है मजलिस तहदुल मुस्लिमीन को लोग यहाँ इतना जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, उसके बावजूद अख्तरुल ईमान साहब को जिताने के लिए पार्टी के जो आला कमान है असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार मेहनत किए थे। खैर, बहरहाल चुनाव वो हार गए। अब सूरत हाल बिल्कुल अलग है, अब गठबंधन में जदयू नहीं है, जदयू गठबंधन से अलग है और इस वक्त गठबंधन जो है वो राजद और कांग्रेस के बीच है। लेकिन 2020 के चुनाव की बात करें, इस चुनाव की बात करें तो शाहिद आलम साहब को गठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया है, अलहाज इजहार असफी साहब को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना उम्मीदवार बनाया है और मास्टर मुजाहिद आलम साहब जो जदयू के विधायक थे, गठबंधन के विधायक थे, वो जदयू से इलेक्शन लड़ रहे हैं और एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर हैं। यहाँ पर इस वीडियो में दरअसल हम आपको बारी बारी से हम आपको एक एक उम्मीदवार के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि गठबंधन के उम्मीदवार शाहिद आलम का जो सियासी करियर है वो क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि शाहिद आलम ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी जिला पार्षद के चुनाव से। पहला चुनाव वो हार गए थे लेकिन फिर 2005 में उन्होंने मुखिया का इलेक्शन लड़ा, 2005 का इलेक्शन जीत गए, फिर रिपीट हुआ 2010 के इलेक्शन में वो जीत गए, लेकिन 2015 का चुनाव वो हार गए। और उसके बाद ही जो जिला पार्षद का चुनाव हुआ तो महिला होने की वजह से शायद जो उनकी उनके बेटे की जो वाइफ हैं यानी उनकी जो बहू हैं यानी सरवर आलम साहब की जो अहलिया हैं उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो इलेक्शन जीत गई, जिला पार्षद जीत गई और इस वक्त किशनगंज जिला की जो है जिला पार्षद चेयरमैन हैं वो। और उनके साहबजादे सरवर आलम की अगर बात की जाए तो वो आज राजद के जिला अध्यक्ष हैं।
ओवरऑल अगर शाहिद आलम की बात की जाए तो शाहिद आलम क्योंकि उनका जो कारोबार है वो भाटे का कारोबार है और पेट्रोल पंप वगैरह है उनका, तो इस वजह से भी उनका अवाम से काफ़ी रसूख बताया जाता है। और क्योंकि जिन दिनों वो मुखिया रहे जाहिर सी बात है कि 10 साल का 15 साल का जो वक्फा होता है वो काफ़ी वक्फा होता है, और इस दौरान उन्होंने अवाम में ज़बरदस्त पैठ बना रखी है। उनका जो इलाका है मोहरमारी का इलाका और कोचा दमन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहाँ पर उनकी ज़बरदस्त ग्राफ बताई जाती है, और लोग कहते हैं कि अगर शाहिद आलम को हल्के में लेना कहीं से भी जो है साहब अकलमंदी नहीं होगी, क्योंकि ये जो मुकाबला है ये बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है, और इस त्रिकोणीय मुकाबला में कौन बाजी मार लेगा ये कहना मुश्किल है। क्योंकि तीनों ही उम्मीदवार, चाहे अलहाज इजहार असफी साहब की बात करें, चाहे मास्टर मुजाहिद आलम साहब की बात करें, या फिर शाहिद आलम साहब की बात करें, तो तीनों का कंटेस्ट जो है वो ज़बरदस्त है और किसी को किसी से कम नहीं आंका जा सकता है। इस वीडियो में हमने आपको शाहिद आलम के बारे में बताया, अगले वीडियो में हम आपको दूसरे उम्मीदवार के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।